दोस्तों, आपने बिटकॉइन का नाम तो सुना ही होगा। बिटकॉइन क्या है? एक लाइन में इसका सीधा सा जवाब है, बिटकॉइन एक तरह की वर्चुअल करेंसी है, मतलब कि आभासी मुद्रा, जिसे डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है। जिस तरह रुपया, डॉलर, यूरो, पाउंड देशों की करेंसी है, उसी तरह बिटकॉइन भी एक करेंसी है। सभी करेंसी को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन को आप नहीं छू सकते, ना ही देख सकते हैं। दोस्तों, किसी भी तरह की संस्था, सरकार या बैंक बिटकॉइन का मालिक नहीं है। इस पर किसी का कानूनी हक भी नहीं है, इसलिए इसको इंटरनेट करेंसी कहा जाता है। बिटकॉइन के कोड को कुछ इस तरह से लिखा गया है कि दुनिया का कोई भी इंसान इस कोड को इंटरनेट से डिलीट नहीं कर सकता। जब तक कि पूरी दुनिया में एक भी बिटकॉइन यूजर रहेगा, तब तक बिटकॉइन इंटरनेट पर मौजूद रहेगा। दुनिया के हर देश में बिटकॉइन का इस्तेमाल किया जाता है। अब बिटकॉइन की सभी इंफॉर्मेशन एक खास तरह के ब्लॉक्स पर स्टोर होती रहती हैं। इन ब्लॉक्स से मिलकर एक चेन बनती है, जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं, जिसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। बिटकॉइन को बनाने वाले का नाम है सातोशी नाकामोटो। इनकी उम्र 37 साल है और यह जापान के रहने वाले हैं। इन्होंने बिटकॉइन को साल 2009 में बनाया था। इसे गुड्स सर्विस खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिटकॉइन को सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से खरीदा और बेचा जा सकता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।